जय हिंद। मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के नगर निगम के वार्ड क्रमांक 7 झुमरिया टोला पंजरे बस्ती में। यहाँ के लोगों की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिसका निराकरण अभी तक नगर निगम की ओर से नहीं हो पा रहा है, यानी कि नगर निगम पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। लोगों की कुछ समस्याओं पर हम ध्यान डालते हैं और जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू भारती है सर। क्या समस्या क्या आप लोगों? समस्या सर ये देखिए, हमारे मोहल्ले में इतनी गंदगी है, कोई कर्मचारी यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आता, और कर्मचारियों के पास अगर यदि रिपोर्ट डालते हैं तो टाल देते हैं। कौन से कर्मचारी? जैसे नगर निगम जो कर्मचारी हैं उनके जो है यहाँ के सीनियर, इनके वार्ड में इंचार्ज हैं, उनसे हम लोग बोलते हैं। जैसे राजू सिंह, राजू सिंह एक ठो वो अधिकारी है यहाँ के, तो उनसे बोलते हैं तो बैठ के बात करते हैं, बोले तुम कुछ इस तरह से कंप्लेंट कर लाओ, कर दो, हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, हम लोग के पास आदमी नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं? हाँ, यहाँ ऐसे लोग हैं, वो जो कर्मचारी सिफारसी पर लोग हैं उन लोग से बोलते हैं भैया अधिकारी से बोल, अधिकारी से बोलते हैं तो सुनते ही नहीं कोई। कंप्लेंट भी कई बार लिखवाए, रजिस्टर में भी लिखवाए, नहीं सुनता है कोई। क्यों नहीं करते हैं सब लोग? पता नहीं उन लोग के पास क्या हम लोग से दिक्कत है कि हम लोग का मतलब हम लोग गाँव में गंदगी में रहें, ऐसे मर जाए, इसलिए उन लोग को कोई समस्या होगा कोई। आप जो समस्या बता रहे हैं, क्या समस्या क्या आपकी? समस्या मेरी देखिए, नाली पूरी जाम पड़ी हुई है, चापा कल है, पानी भी नहीं है सर, पानी भी नहीं आता। नाली आप जरा दिखाएं कहाँ? हाँ, नाली देखिए सर, ये पूरा यहाँ देखिए, मच्छर है इस नाली में कि पूरे मतलब कभी भी यहाँ जाम कर मतलब सफाई करने, हम लोग अपने हाथ से सफाई करेंगे, फेंकते हैं कचरा। अभी इसमें मच्छर इतने बड़े बड़े हैं घर में सर, घर बन रहा है, अंदर मंदिर बन रहा है, इसलिए यहाँ हम लोग मान लें कि सब लोग सोचते हैं कि भाई सफाई तो कम से कम। नाली की कभी स्वीपर, आज इतने दिन का पार्षदी चुनाव हो रहा है, कभी यहाँ स्वीपर झाड़ू मारने नहीं आए। यहाँ सभी पार्षदों के घर में झाड़ू मारने जाते हैं, विधायक के घर में झाड़ू मारने जाते हैं, मगर इस मोहल्ले में कभी कोई झाड़ू मारने नहीं आया आज तक, न कोई सफाई करने आया। लाइट बत्ती यहाँ चार चार पाँच पाँच महीने जलेगी तो जलेगी, नहीं तो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कंप्लेंट करेंगे, महीनों लग जाएगा, नहीं आते हैं कोई जलाने के लिए। ये समस्या है हम लोग की, पानी की समस्या। पानी की क्या समस्या आप लोग? पानी नहीं है सर, एक चापाकल है हमारे इतने बड़े मोहल्ला के बीच में, कोई पानी का कोई साधन नहीं है। इस पूरे मोहल्ले में एक मात्र एक चापाकल है जहाँ जिससे पानी लोग पीने लायक है नहीं है सर। आप देख लीजिए, खुद गंदगी मारता है, मगर क्या करें, छान छून के इधर करके अपना जी जला रहे हैं, भाई हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो ये है समस्या वार्ड क्रमांक 7 की झुमरी टोला जो कि है यहाँ पर। आप बात की जाए तो यहाँ पर जो समस्या है नाली की, जैसी समस्या ये बता रही कि यहाँ पर नगर निगम की तरफ से कोई भी कर्मचारी आकर के इस समस्या का निराकरण नहीं करते। पार्षद से इन लोगों ने पता नहीं बात की, पार्षद को भी बोलते हैं सर, पार्षद भी तो उस गाँव का सुनते ही नहीं है। क्या नाम है उनका? राजू रामलल्लू साकेत। रामलल्लू साकेत? साकेत जी। कहाँ रहते हैं वो? चटका बस्ती में। चटका बस्ती में रामलल्लू साकेत आपके पार्षद हैं? कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनाया। हमारे यहाँ देखे रोड की क्या हालत है, सारे रोड वाला उधड़ पुधड़ गए। हम लोग सोच कहते हैं कि थोड़ा रोड का कम रिपेयर करवा दीजिए। ये जो नाली गई है बीच में रोड, देखिए कितना गड्ढा है। वो वहाँ बोले कि पाइप लगा के इस पानी निकलने के लिए थोड़ा रास्ता बना दीजिए, वो भी नहीं करते। बोलते हैं नगर निगम उनके का नाम है, अरे कौन आला है उनका इंजीनियर, वो अभिराज सिंह से बोले कि सर ये नाली का नाम से करवा दीजिए। बोले यार यहाँ तो फंसने वाला कोई काम होगा नहीं, तो क्या पैसा फालतू फंसाएंगे। इस तरह की बातें करते हैं लोग, चुपचाप रह जाते हैं। हम लोग भाई हम लोग को कोई ऊपर है नहीं, कोई सुनता ही। तो आइए हम कुछ और लोगों से बात करना चाहते हैं, यहाँ की महिलाओं से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? भैया मेरा घर तो उधर चौराहे से उधर है, मेरे उधर जाएंगे तो हमने बात करेंगे और आपको दिखा के बात करेंगे हम जो करेंगे। अब यहाँ से क्या बोले, हम अपने मम्मी घर आए हैं, वहाँ पे चलेंगे तो दिखाएंगे हम। यही समस्या मेरे पास भी है, पूरा नाली ही नहीं है, पूरा घर में घुस जा रहा है साढ़ बरसात की पानी हमारे घर तक। और वहाँ पे आएंगे तो आपसे बात करेंगे। और चलिए ठीक है, यहाँ का सिस्टम तो देख ही रहे हैं, यहाँ का सिस्टम क्या है कुछ समझ सकते हैं। तो ये है कहानी यहाँ की झुमरी टोला वार्ड क्रमांक 7 नगर निगम सिंगरौली का वार्ड क्रमांक 7। आपको दूसरी ओर की नाली को भी हम दिखला दें कि यहाँ पर जो नाली है ऐसा लगता है कि कभी बनाई गई थी, लेकिन आज इसका नामो निशान ख़त्म होने को आ गया है। सड़क के दोनों किनारों पर नाले बने हुए थे, लेकिन इस नाले की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से ये पार्टी जा चुकी है, से इसके ऊपर मिट्टी है, ईंटें हैं और कई सारी चीज़ों से इसको भर दिया गया है। तो बात अगर की जाए तो नाली यदि साफ़ सुथरी ना हो तो बीमारी का कारण बनती है। और छोटे स्तर पर बात की जाए तो जो भी प्रतिनिधि होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, वो अपने दायित्वों को जब नहीं निभा पाते हैं तो इस प्रकार से जनता में आक्रोश और समस्या उत्पन्न होती है। जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट, जय हिंद। और हाँ, इस तरह की
इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।